हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सेलेस एडिटिंग जोन। आज की इस वाली वीडियो में हम कुछ ही टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं जो देखने में काफ़ी ओसम सी लग रही है। बिल्कुल कम टाइम में इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखा दूंगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हम लोगों को इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों की गैलरी खुल जाएगी। जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं सिंपली उसे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम लोगों के सामने इस साइड में एक पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सीधे आप लोग ऐसे नीचे आएंगे, एक विनटेक का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले आइकन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देन ऐसे ऊपर करके एक सेचुएशन का ऑप्शन है, इसको सीधे आप लोग को माइनस कर देना है। माइनस के बाद सिंपली आप लोग को ऐसे ऊपर जाता है विगनेट वाला, जो इसको आप लोग ऐसे कम कर देंगे, लगभग इतना कर देंगे, जीरो करने के बाद सिंपली हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर व्यू एडिट और विन टैग, फिर ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग और इस वाले आइकन पे क्लिक करके साइज को जीरो रख देंगे और अपने स्किन से सारी इफेक्ट हटा लेंगे कुछ इस टाइप से। मैं जल्दी जल्दी से हटा लेता हूँ, आप लोग आराम से करिएगा। हटा लेने के बाद सिंपली हम लोगों को इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद सिंपली हम लोगों को इस पेंसिल वाले आइकन पे फिर से क्लिक करना है। फिर ऐसे ऊपर जाएंगे हम लोग और एक कर्व वाला ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देन इस पर सिलेक्ट करके ब्लू वाले पर आप लोगों को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सिंपली इस कर्व वाला ऑप्शन है, इसको हम सिंपली ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाएगा। लगभग मैं इतना कर देता हूँ। इतना करने के बाद सिंपली आप लोगों को इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन व्यू एडिट पे क्लिक कर देंगे और कर्व, फिर ब्रश को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इस वाले आइकन पर क्लिक करके साइज को हम लोग जीरो कर देंगे, 25 पे रहने देंगे, जीरो नहीं करेंगे और स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से इसे चला देंगे स्क्रीन और अपने हेयर पे कुछ इस टाइप से। देन इतना करने के बाद सिंपली हम लोग कुछ नहीं करना है, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से बैक हो जाना है और फिर इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और इस टाइप से नीचे जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को डबल एक्सपोजर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके एक लाइट पीएनजी है, उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। आप लोग घुमा लीजिएगा और ऊपर इस टाइप से लगा के फिर इस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, फिर लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। देन इतना करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिर से हम लोग को क्या करना है, इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन डबल एक्सपोजर में जाना है और एक स्नो का पीएनजी आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ये रहा। करने के बाद फिर इस वाले आइकन पर क्लिक करके फिर लाइट टिंट कर देंगे हम लोग और कुछ इस टाइप से लग जाएगा हमारा। और फिर इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटो को हम लोग सेव कर लेंगे। फाइनली एक टेक्स्ट लिखना है, जो कि इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और हम लोगों को टाइप करना है क्या, इसे बैक कर देना है ब्लू एंड ऑरेंज,
इतना लिखने बाद सिंपली हम लोगों को ऐसे यहाँ पे लगा देना है, जिससे फ़ोटो में एक अलग सा लुक आ जाएगा। इतना करने बाद सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करके फ़ोटो को हम लोग डन कर देंगे। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ हम हाजिर रहते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।